सच सच बताना, किन के घरों में ऐसे इतनी सारी आइसक्रीम खाई जाती है? मेरे घर पे तो बहुत सारी खाई जाती है। तो मेरे घर पे बहुत सारे स्टिक्स भी बच गई थी, तो मैंने सोचा चलो इसके हेल्प से कुछ बना लिया जाए। बस मैंने सिंपल सा जुगाड़ निकाला, एक हेक्सागोन बनाया और उसे इस तरह से प्रिपेयर कर लिया। अब इसके ऊपर एक एक करके मैं आइसक्रीम की स्टिक रखते जाऊंगी और बनाते जाऊंगी, तो मुझे सिंपली ऐसा एक हेक्सागोन मिल जाएगा। इसे फेविक्विक की हेल्प से चिपका लेनी है। अगर आप इसके जगह हॉट ग्लू यूज़ करना चाहो तो भी कर सकते हो। देखो यार, मैं क्राफ्ट बनाने में भले ही स्मार्ट हूँ, लेकिन मैं बोलने में उतनी स्मार्ट हूँ नहीं, तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट करना। तो वापस आते हैं अपने DIY की तरफ। तो बस हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, एक एक करके सारे स्टिक्स को ऐसे हेक्सागोन के ऊपर रखना है और स्टिक करते जानी है। और ये पूरा प्रोसेस आप रिपीट करते रहोगे जब तक कि आपका 6 हेक्सागोन वाला एक आर्ट कंप्लीट ना हो जाए। तो हमारा हेक्सागोन कंप्लीट होने के बाद हम उसे कलर करेंगे, और मैंने ब्लैक कलर का यूज़ किया है। आप चाहो तो गोल्डन भी यूज़ कर सकते हो, गोल्डन कलर भी इसमें बहुत ही प्रिटी लगेगा। और सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैंने 2 बना लिए थे और दोनों को इस तरह से रखकर आपस में स्टिक कर लिया। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक मिरर लिया है, मेरे पास सर्कल मिरर बस यही था, तो मैंने इसे पहले चिपका लिया और फिर बाद में ये आर्टवर्क चिपका दिया। अब देखो ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इसी तरह से अब हम आते हैं अपने दूसरे आइडिया की तरफ, जो कि न्यूज़पेपर, पेपर, वेस्ट पेपर, आप किसी से भी बना सकते हो। इस तरह से पेपर्स के रोल बना लेने हैं, और रोल बनाने का प्रोसेस तो आप जानते ही हो, काफ़ी इजी होता है। तो मैंने बहुत सारे बना लिए, और उसके बाद मैंने एक और चीज़ की है कि इसके जो नॉट इवन पार्ट्स है उसे मैंने इवन किया है, साइड से कट किया है। तो कट करने के बाद ग्लू अच्छे से फैला लो और फिर इसे चिपका दो। इसके बाद हमें ये ऐसा कुछ रिसीव हो जाएगा, तो हम इसे कट कर लेंगे जैसे मैं दिखा रही हूँ। आपने भी वैसे ही कट करना है। और उसके बाद हम आएंगे अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जिसमें हमें एक छोटा सा कार्डबोर्ड लेना है, अच्छे से ग्लू करना है और उसे स्टिक करना है। मैं चाहूँ तो मैं इसे आपस में भी स्टिक कर सकती थी, पर ये मैंने इसीलिए किया क्योंकि इससे इसकी जो मजबूती होगी वो बनी रहेगी। अब मैंने यहाँ ब्लैक कलर किया है, आप चाहो तो कोई और सा कलर भी कर सकते हो। ओके, तो नाउ लेट्स मेक फ्लावर्स। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स बनाए हैं। मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल पीस लिया है, और आप सोचोगे कि मैंने इसे कट क्यों किया, तो जो रेक्टेंगल पीस था उससे हमारा फ्लावर नहीं बनेगा, तो हम उसे स्क्वायर करने के लिए कट करेंगे। आप चाहो तो डायरेक्टली स्क्वायर पीस भी ले सकते हो। और इस शेप में मैंने कट किया है, उस शेप से हमें दूसरा डिज़ाइन का फ्लावर्स रिसीव होगा। और इस तरह से मैंने कई सारे फ्लावर्स बनाए हैं, जो कि मैंने आपको शो किया है कैसे बनाया है। तो आप भी इस प्रोसेस को रिपीट करके सेम प्रोसेस में फ्लावर्स बना सकते हो, अलग अलग टाइप्स के। और कुछ आपको अगर कुछ अपने तरफ से भी आता है तो आप वो भी बना सकते हो। तो मैंने 2 फ्लावर्स बनाकर एक में स्टिक करा और उसके ऊपर कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाया और इसे भी स्टिक कर दिया। यार देखो, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं वीडियोस खुद बनाती हूँ, बट शॉर्ट्स में मैं किसी और का वॉइस लेती हूँ, तो हर कोई यही कहता है कि इसका वीडियो कॉपी किया, इसका वीडियो कॉपी किया। बट तो जहाँ आप जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने सिर्फ उस क्रिएटर की वॉइस कॉपी की है, मैंने उसका वीडियो कॉपी नहीं किया। और अगर क्या हुआ, मैंने उसके वॉइस को ले लिया, तो यूट्यूब वैसे भी रीच देता है ऐसे वॉइस को, तो मैंने बस इसका ही यूज़ किया है। देखो यार, हम भी मेहनत करते हैं, हम छोटे क्रिएटर्स हैं तो क्या हुआ, बट हम तो अपना 100% देते हैं।
बड़े क्रिएटर्स को ये एडवांटेज होता है कि वो कुछ भी वीडियो बनाते हैं पर उसके वीडियोस में व्यूज लाइक्स बहुत अच्छे आते हैं, पर हमारे पास एक डिसएडवांटेज होता है कि हम अपना 100% दे के भी अगर कोई वीडियो बनाए ना तो उसमें उस वीडियो के डिजर्विंग व्यूज डिजर्विंग लाइक्स नहीं आती है। लेट्स मूव टू आवर DIY। तो इस तरह से आप यहाँ पर स्टिक कर सकते हो। मैंने स्टिक करने के लिए फेविकॉल का यूज़ किया है, आप हॉट ग्लू या फेविक्विक किसी का भी यूज़ कर सकते हो। कुछ लिप्स भी बनाए थे तो एक एक करके मैं सारे लिप्स को भी चिपका लूँगी। लिप्स बनाना बहुत ही इजी है, मेरा इसमें ट्यूटोरियल पहले ही अपलोड कर रखा है तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने हाफ कट बीट यूज़ किए हैं, आप चाहो तो पल्स या बीट कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो एक एक करके हम सारे लिप्स को चिपकाने के बाद अपने हाफ कट बीट्स को चिपका लेंगे। इस तरह से हमारा वर्ल्ड डेकोर बनकर रेडी है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आप मुझसे कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो डू कमेंट।